का मसाला हमारा बन के बिल्कुल तैयार है, इसे आप जरूर ट्राई करें। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद मीनास। आज हम बनाने जा रहे हैं चाय का मसाला। तो उसे बनाने के लिए हमें देखिए कुछ इस तरह से, ये जो पौधा है ये तुलसी का पौधा है, हमें इस तरह से कुछ सूखे हुए बीजों की भी ज़रूरत है। तो हम हमारे किचन गार्डन से हम ये ले लेंगे। इस तरह से हमने देखिए ये ले ली है, ये भी साथ में इस तरह से सामान की ज़रूरत है। हमने ले लिए हैं 10 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम जिंजर पाउडर, 20 ग्राम ब्लैक पेपर कॉर्न और एक जायफल का। इसी तरह से 20 ग्राम हमने सौंफ ले ली है, 20 ग्राम हमने जो है लौंग भी ले ली है, और 50 ग्राम हमने देखिए इलायची ये भी ली है, 1 पिंच हमने नमक लिया है और 1 पिंच हमने ज़ाफ़रान ये भी ले लिया है, और हमारे किचन गार्डन से हमने तुलसी के बीज इस तरह से 1/2 टीस्पून ये भी हमने निकाल लिए हैं। सर्दियों के मौसम में इस तरह से मसाले वाली चाय पीना तो बहुत ही मज़े की लगती है। गर्मियों के मौसम में आप जो है जिंजर पाउडर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर दें, सर्दियों में आप इसमें थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी जिंजर पाउडर ऐड कर सकते हो। चलिए बनाना हम शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार चाय का मसाला। गैस हमने ऑन कर दिया है, इस तरह से हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हम सबको रोस्ट कर, अच्छे से देखिए ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। ख्याल रखें आप ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप इसे बारीक पीसें मिक्सर में, वरना ये नमी छोड़ देता है, पानी इसका जो होता है भाप का वो आने लगता है, इसलिए पहले से अच्छी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप इसे पीसें। पहले अच्छी तरह से देखिए जो ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। साथ ही में हम जो है जिंजर पाउडर ये भी डालेंगे, और इस तरह से ज़ाफ़रान और 1 पिंच नमक हमने लिया है ये भी हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से जो है हम बारीक पीस लेंगे। इस तरह से हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देंगे। मसाला हमारा बन के बिल्कुल तैयार है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।